हेलो फ्रेंड्स, खमा गणेश साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनसे गुणा बराबर नहीं निकलता है। जब हम गुणा लगाते हैं तब उसमें छोटा बड़ा गुणा निकल जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। गुणा बराबर निकालने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान मगजी लगाते वक्त ही रखना है। जैसे मगजी लगाते वक्त जो गुणा है, हमें गुणे को खींच के लगाना है, क्योंकि गुणे में जो चरक होती है उसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे तो गुणा बराबर निकलेगा। तो इस तरीके से जब इस पर कट आता है, जब गुणे की लीरी ख़त्म हो जाती है तो हमें दूसरी लीरी लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से लगानी है। ये जो गुणे की लीरी है, हमें इस दूसरे वाले गुणे के ऊपर रख के हमें इसको लगाना है। आगे सिलाई दे देनी है ताकि वो बाद में बाहर दिखाई नहीं देगी, जॉइंट बाहर नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसको खींचना है। और जो धागा है, जो नीचे हम स्वेटर में जो धागा लगाते हैं, वो अलग कलर का होना चाहिए। इससे भी गुणा लगाते वक्त हमें बहुत मदद मिलती है वो गुणा बराबर निकालने में। तो ये कुछ बातें हैं जो मगजी लगाते वक्त हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से मगजी बनाने के बाद में हमें गुणे पर ये इस तरीके से नाखून लगा लेना चाहिए, इससे भी हमारे गुणा अच्छा आता है। तो इस तरीके से पूरी मगजी पर हमें नाखून लगाना है, और जहाँ से अब ये लहंगा के कट है वहाँ से हमें मगजी लगाना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, हमने जो है मगजी को लहंगे के ऊपर रखा है, और इस तरीके से आप वो जो गुणा है उसको फोल्ड करते जाएंगे, और एक बूट मतलब थोड़ा सा उसको दूर रखते जाएंगे। ये मैंने जो है इसमें धागा सेम रखा है। आप इसमें धागा प्लीज़ जो नए जो सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनसे ये कहूँगी कि आप ये धागा जो है अगर अलग धागे से करते हैं तो आपको गुणा बराबर निकालने में बहुत हेल्प होगी। तो इस तरीके से आप जो है, मैं इसको आपको पास से दिखाऊंगी कि ये देखिए, ये जो धागा जा रहा है हमें ये जो बूट है, इस बूट को हमें थोड़ा सा दूर रखना है। ये छोटा बड़ा आपको जिस हिसाब से आपको रखना है, ये देखिए एक बूट की दूरी पर हमें रखना है। तो एक जो इसका बूट होगा वो धागे के ऊपर होगा, और मशीन की सुई थोड़ी सी दूर रखनी है। ये देखिए, ये जितना आपको कम या ज़्यादा चाहिए आप उस हिसाब से रखना है, लेकिन एक बूट जो है इसका, जो धागा जो पहले हमने मगजी का बनाया था, इसके ऊपर ही चलेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसको दूर रखिए और मगजी को है जो गुणे को फोल्ड करते जाएंगे, और इस तरीके से देखिए ये हमें गुणा निकालना है। तो गुणे का यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए, और यहाँ हम थोड़ी मगजी को खींच के लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये गुणा जो है इस तरीके से अगर आप ध्यान रख के करते हैं तो ये देखिए, ये गुणा एकदम बराबर निकला है। मैं थोड़ा और आगे करके बता दिया, पीछे की तरफ देखिए आप, ये इस तरीके से एक बूट की दूरी पर हमने ये गुणा निकाला है। ये देखिए, ये दोनों, इससे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आप इसको छोटा रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और इसके पास में लेके चलिए, ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए, मगजी पे जब गुणा लगाते हैं तब भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो धागा है वो एकदम सीधा सीधा चलना चाहिए। ऐसे लहराते हुए या टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो भी गुणा बराबर नहीं आएगा। इसलिए जब आप मगजी बनाते हैं तब एकदम जो धागा है वो सीधा सीधा ही आना चाहिए। इससे भी गुणा बहुत अच्छे से आता है और बराबर निकलता है। तो इस तरीके से मगजी को हम ऐसे रखते जाएंगे और गुणा निकालेंगे। गुणे को छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बातों का ध्यान रखकर आप भी गुणा बराबर निकाल सकते हैं। राजपूती पोशाक में जो गुणा जब तक बराबर नहीं निकलता है तब तक अच्छा लुक नहीं आता है। तो आप ट्राई कीजिए कि गुणा एकदम बराबर और सीधा सीधे टांके पे ही निकालें। टेढ़ा मेढ़ा टांका होगा तो उस पर गुणा बराबर नहीं आएगा। तो अब हमें इस पर फिनिशिंग का टांका लगाना है। तो ऊपर की साइड पे हम थोड़ा सा इसमें एक फुट की दूरी पर ही इस पर भी हमें जो है फिनिशिंग का टांका लगाना है। ये देखिए, हमें थोड़ा सा इसको गुणे से दूर रखना है। जितना हमने नीचे ध्यान रखा था, थोड़ा सा दूर रखा था, उसी तरह से ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। और उंगलियों की सहायता से हमें थोड़ा सा इसको खींचते जाएंगे, और ताकि इसमें सल नहीं रहे तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे उंगलियों से इसको ऐसे खींचेंगे ताकि
इसमें सलनी रहेंगे और इसके हमें सीधा सीधा जो है टांका लगा लेना है। इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। तो इस तरीके से देखिए हम इस पर फिनिशिंग का टांका लगा लेंगे पूरे में, और फिनिशिंग के टांके के बाद भी इसमें बहुत अच्छा लुक आता है। तो इसे आप थोड़ा सा दूर रख के ही, इस पे एक बूट की दूरी पर ही रख के करें तो ये ज़्यादा अच्छा लुक देगा। और ये देखिए ये मैंने इस पे पूरे में लगा दिया है टांका, और ये देखिए कितना अच्छे से गुणा निकला है एकदम बराबर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय।